बुढ़िया कौन सी बुक पढ़ रही है? तो आई हैव स्टार्टेड अ न्यू बुक, हाउ टू टॉक सो टीन्स विल लिसन एंड लिसन सो टीन्स विल टॉक. दिस बुक इज रिटन बाय एडल फेबर एंड एलिन मेस्लेश. ओके, इंटरेस्टिंग है. लेकिन एक चीज बताओ, जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास मेरा टीनेज बच्चा आता है एंड आई नो के दे आर गोइंग थ्रू सम इमोशनल टर्मॉइल, ओके, उस सिचुएशन में मुझे क्या करना चाहिए? वन सिंपल थिंग वी कैन डू इज उनकी फीलिंग्स को डिसमिस नहीं करना है, उनकी फीलिंग्स को इग्नोर नहीं करना है. इंस्टेड रिलेट विद देम एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट दे आर सेइंग. ओके, इसको एक एग्जांपल के साथ मेरे को समझाओ. मान लो मेरे बच्चे का ब्रेकअप हुआ है, मुझे पता है, तो इस सिचुएशन में मैं क्या करना है, मुझे क्या नहीं करना और क्या करना है? ओके, क्या नहीं करना है, हमें उसको ये नहीं बोलना है कि ऐसी चीजें होती रहती हैं या इसमें रोने वाली क्या बात है, यू विल फाइंड अनदर पर्सन, यू विल मूव ऑन इन योर लाइफ, ये सब चीजें नहीं बोलनी है. इंस्टेड वी कैन जस्ट आइडेंटिफाई विद देम, रिलेट विद देम, उनके साथ रिलेट करना है. उनको आप तीन चीजें ऐसे बोल सकते हो कि हाँ मैं समझ सकती हूँ आप इसीलिए सैड हो, आई कैन, और ये बहुत हर्ट करता है एंड इट इज़ अ टफ सिचुएशन फॉर यू. अब इससे दो चीज़ें होंगी, पहले उसको अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने का मौका मिलेगा, उसको अपनी रियलिटी को चेक करने का मौका मिलेगा, और सेकेंडली उसको ये पता होगा कि देर इज़ वन पर्सन जिसके पास मैं आके बैठ के अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, एंड दे विल रिलेट विद मी, दे विल एम्पथाइज विद मी, दे विल अंडरस्टैंड मी. So ultimately they will find their own ways and means to move. Yes, ultimately जब हमने अपनी feelings express कर ली, जब हमें reality check मिल गया, they will find their own solutions. Ultimately they will move on in their life. Yes. Okay. Thank you. Thank you for watching this. Please do tell me ये video कैसी लगी. Like, comment and do share. And अभी तो पूरी book बाकी है. Let's see what all insights the author has to give. Thank you.